भवन द्वार का थोकड़ा। नव बोल, अहो भगवन, ज्योतिषी देव धरती से कितने ऊंचे हैं? हे गौतम, सम भूमि भाग से 790 योजन तारा का विमान ऊंचा है, 800 योजन सूर्य का विमान ऊंचा है, 880 योजन चंद्रमा का विमान ऊंचा है, 884 योजन नक्षत्र का विमान ऊंचा है, 888 योजन बुध का विमान ऊंचा है, 891 योजन शुक्र का विमान ऊंचा है, 894 योजन बृहस्पति का विमान ऊंचा है, 897 योजन मंगल का विमान ऊंचा है, 900 योजन शनिश्चर का विमान ऊंचा है। यों 110 योजन में सब ज्योतिषी देव है। प्रथम बोल समाप्त। ओह भगवन, ज्योतिषी देवों के विमान कितने लंबे चौड़े हैं? हे गौतम, चंद्र का विमान एक योजन के 61 भाग में 56 भाग लंबा चौड़ा है, 28 भाग मोटा जाड़ा है, तिगुनी झाझरी परिधि है। सूर्य का विमान एक योजन के 48 भाग लंबा चौड़ा है, 24 भाग मोटा जाड़ा है, तिगुनी झाझरी परिधि है। ग्रह का विमान 2 गऊ का लंबा चौड़ा है, 1 गऊ का मोटा है, तिगुनी झाझरी परिधि है। नक्षत्र का विमान 1 गऊ का लंबा चौड़ा है, आधा गऊ का मोटा जाड़ा है, तिगुनी झाझरी परिधि है। तारा का विमान आधा गऊ का लंबा चौड़ा है, पाव गऊ का मोटा है, तिगुनी झाझरी परिधि है। दूसरा बोल समाप्त। ओह भगवन, ज्योतिषी देवों के विमानों को कितने देव उठाते हैं? हे गौतम, चंद्रमा और सूर्य के विमान को 16,000 देवता उठाते हैं। उनमें से 4,000 देवता पूर्व दिशा में सिंह के रूप में उठाते हैं, दक्षिण दिशा में 4,000 देवता हाथी के रूप से उठाते हैं, पश्चिम दिशा में 4,000 देवता वृषभ यानी बैल के रूप से उठाते हैं, उत्तर दिशा में 4,000 देवता अश्व यानी घोड़े के रूप से उठाते हैं। ग्रह के विमान को 8,000 देवता उठाते हैं, 2,000 देवता चारों ही दिशा में पूर्ववत सिंह हाथी बैल घोड़ा के रूप में उठाते हैं। नक्षत्र के विमान को 4,000 देवता उठाते हैं, चारों ही दिशा में 1,000 देवता पूर्ववत रूप से उठाते हैं। तारा के विमान को 2,000 देवता उठाते हैं, चारों ही दिशा में 500-500 देवता पूर्ववत रूप से उठाते हैं। तीसरा बोल समाप्त। अहो भगवन, ज्योतिषी देवों की गति जो है, वह चाल जो है, वह कैसी है? हे गौतम, चंद्रमा की गति सबसे मंद है, उससे सूर्य की गति शीघ्र है, उससे ग्रह की गति शीघ्र है, उससे नक्षत्र की गति शीघ्र है, और उससे भी तारा की गति शीघ्र है। चौथा बोल समाप्त। ओह भगवन, ज्योतिषी देवों में परस्पर कितना अंतर यानी दूरी है? हे गौतम, अढ़ाई द्वीप के बाहर एक चंद्रमा का दूसरे चंद्रमा से 1,00,000 योजन का अंतर है, एक सूर्य का दूसरे सूर्य से 1,00,000 योजन का अंतर है, चंद्रमा और सूर्य के बीच में 50,000 योजन का अंतर दूरी है। अढ़ाई द्वीप में ज्योतिषियों का अंतर दो प्रकार का है, व्याघात आश्री और निर्वाघ्यात आश्री। किसी वस्तु का बीच में आड़ा आ जाना व्याघात कहलाता है, और किसी भी वस्तु का बीच में आड़ा नहीं आना निर्वाघ्यात कहलाता है। व्याघात आश्री जघन्य अंतर 266 योजन का है, वह इस प्रकार है कि निषद और नीलवंत पर्वत 400-400 योजन के ऊंचे हैं, उनके ऊपर 500-500 योजन के फूट है, वे 250-250 योजन के मोटे जाड़े हैं, उनसे 8-8 योजन की दूरी पर ज्योतिषी चक्र है। इस प्रकार 266 योजन का अंतर है, यह अंतर जघन्य है। उत्कृष्ट अंतर 12,242 योजन का है, वह इस प्रकार है कि मेरु पर्वत 10,000 योजन का चौड़ा है, उससे ज्योतिषी चक्र 1,121 योजन दूर है। इस प्रकार
12,242 योजन उत्कृष्ट अंतर है। निर्वाख्यात आश्री जगन्य 500 धनुष उत्कृष्ट दो गौ का अंतर है। पांचवा बोल समाप्त। अहो भगवान, सूर्य किस तरफ कितना तपता है? हे गौतम, सूर्य 100 योजन ऊंचा तपता है, 1800 योजन नीचा तपता है। वह इस प्रकार की पश्चिम महाविद्या की पांचवी सलीलावती विजय 1000 योजन की उंडी है और सूर्य समभूमि भाग से 800 योजन ऊंचा है। इस प्रकार नीचा 1800 योजन तपता है, तिरछा 47,263 योजन और एक योजन का साठिया 21 भाग तपता है। सूर्य के विमान के नीचे केतु का विमान है। गति चाल में फर्क आने से जब वह सूर्य के विमान के आड़ा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण जगन्य 6 महीनों में होता है और उत्कृष्ट 48 वर्ष में होता है। केतु का विमान काले रत्नों का है। चंद्रमा के विमान के नीचे राहु का विमान है, वह काले रत्नों का है। श्री भगवती सूत्र में राहु के विमान को 5 वर्ण का बतलाया गया है। राहु 2 प्रकार का है, नित्य राहु और पर्व राहु। नित्य राहु कृष्ण पक्ष में यानी अंधेरे पक्ष में प्रतिदिन चंद्रमा की एक एक कला को ढकता जाता है, यावत अमावस्या के दिन सब कलाओं को ढक लेता है। शुक्ल पक्ष में उजियाले पक्ष में प्रतिदिन एक एक कला को खुली छोड़ता जाता है, यावत पूर्णिमा के दिन सब कलाओं को खुली छोड़ देता है, तब संपूर्ण चंद्रमा उघाड़ा रहता है। जब पर्व राहु चंद्रमा के आड़ा आ जाता है, सामने आ जाता है, तब चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण जगन्य 6 महीनों में उत्कृष्ट 42 महीनों में होता है। छठा बोल समाप्त। ओ भगवान, सूर्य के कितने मंडल हैं? हे गौतम, सूर्य के 184 मंडल है। उनमें से 119 मंडल लवण समुद्र में है और 65 मंडल जम्बू द्वीप में है। अहो भगवान, चंद्रमा के कितने मंडल हैं? हे गौतम, चंद्रमा के 15 मंडल है। उसमें से 10 मंडल लवण समुद्र में है और 5 मंडल जम्बू द्वीप में है। अहो भगवान, इन मंडलों में परस्पर कितना अंतर है? हे गौतम, सूर्य के एक मंडल से दूसरे मंडल में 2 योजन अंतर दूरी है। चंद्रमा के मंडल से दूसरे मंडल का अंतर 35 योजन झाझेरा है। अहो भगवान, नक्षत्र के कितने मंडल कहे गए हैं? हे गौतम, नक्षत्र के 8 मंडल कहे गए हैं। ओ भगवान, जम्बूद्वीप में नक्षत्र के कितने मंडल कहे गए हैं? हे गौतम, जम्बूद्वीप में नक्षत्र के 2 मंडल कहे गए हैं। ओ भगवान, वे जम्बूद्वीप में कितना क्षेत्र अवगाहन कर रहे हुए हैं? हे गौतम, वे जम्बूद्वीप में 180 योजन अवगाहन कर रहे हुए हैं। ओ भगवान, लवण समुद्र में नक्षत्र के कितने मंडल कहे गए हैं? हे गौतम, 6 मंडल कहे गए हैं। ओ भगवान, वे लवण समुद्र में कितने योजन अवगाहन कर रहे हुए हैं? हे गौतम, लवण समुद्र में 330 योजन अवगाहन कर नक्षत्र के मंडल रहे हुए हैं। इस प्रकार जम्बूद्वीप और लवण समुद्र में सब मिलकर नक्षत्र के 8 मंडल है। ओ भगवान, सबसे अभ्यंतर नक्षत्र मंडल से सबसे बाहर के नक्षत्र मंडल तक कितना अंतर है? हे गौतम, उसमें 510 योजन का अंतर है। ओह भगवान, एक एक नक्षत्र मंडल में कितना अंतर है? हे गौतम, 2-2 योजन का अंतर है। ओह भगवान, नक्षत्र मंडल कितने लंबे चौड़े और कितनी परिधि वाले हैं? हे गौतम, एक गौ के लंबे चौड़े हैं और उनसे तिगुनी झाझरी परिधि वाले हैं और आधे गांव के मोटे हैं। ओह भगवान, जम्बूद्वीप के मेरु पर्वत से सबसे अभ्यंतर नक्षत्र मंडल तक कितना अंतर है? हे गौतम, 44,820 योजन का अंतर है। ओह भगवान, जम्बूद्वीप के मेरु पर्वत से सबसे बाहर के नक्षत्र मंडल का कितना अंतर है? हे गौतम, 45,330 योजन का अंतर है। सातवां बोल समाप्त। ओह भगवान, ज्योतिषी देवों में किसकी रिद्धि किससे न्यूनाधिक यानी कम ज्यादा है? हे गौतम, चंद्रमा की रिद्धि सबसे अधिक है, उससे सूर्य की रिद्धि अल्प है, उससे ग्रह की रिद्धि अल्प है, उससे नक्षत्र की रिद्धि अल्प है, उससे तारा की रिद्धि अल्प है। आठवां बोल समाप्त।
अहो भगवन, एक चंद्रमा का कितना कितना परिवार है। हे गौतम, एक चंद्रमा का परिवार 88 ग्रह, 28 नक्षत्र, 66,975 कोड़ाकोड़ ताराओं के विमान परिवार है। 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करने से जितनी संख्या वे उसको करोड़ा करोड़ कहते हैं। अहो भगवन, ज्योतिषी देवों की क्या अल्प बहुत्व है। हे गौतम, सबसे थोड़े चंद्रमा सूर्य है, किंतु वे परस्पर तुल्य है। उनसे नक्षत्र संख्यात गुना अधिक है, उनसे ग्रह संख्यात गुना अधिक है, और उनसे तारा संख्यात गुना अधिक है। ओह भगवान, ज्योतिषी देवों की परिषदा कितने प्रकार की है। हे गौतम, 3 प्रकार की है, आभ्यंतर परिषद, मध्य परिषद और बाह्य परिषद। अभ्यंतर परिषद में 8,000 देव है, मध्य परिषद में 10,000 देव है और बाह्य परिषद में 12,000 देव है। 4,000 सामानिक देव है, 16,000 आत्मरक्षक देव है, 4,000 अग्रमहिषियाँ है। एक एक अग्रमहिषी का परिवार 4,000 देवियाँ है। एक एक देवी 4,000 रूप विक्रिय करती है। देवियाँ जितने रूप विक्रिय करती है, इंद्र उतने ही रूप विक्रिय करता है। 9वां बोल समाप्त। सेवम बनते सेवम बनते। गौतम बोले सही, वीरजीरा वचना में संदेह रखनो नहीं। जय आनंद।